नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भोजपुरी अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव एक बार फिर विवाद में है। विवाद की वजह है कि उन्होंने एक गाना लॉन्च किया है, उनके द्वारा गाया गया एक गाना लॉन्च हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कि बिहार के लिहाज से अगर इसको देखें तो बेहद आपत्तिजनक कहा जा सकता है, और नैतिक रूप से भी वो गाना सही नहीं है। दरअसल आप जानते हैं कि बिहार में सख्त शराबबंदी है, चुनाव होने वाला है, पूरे देश में चुनाव होना है, और होली नज़दीक है, तो खेसारी लाल ने गाना गाया है और शराबबंदी को लेकर गाना गाया, शराब को लेकर गाना गाया है, और बिहार के इलाकों का जिक्र किया है, छपरा का जिक्र किया है, और उन्होंने गाने में कहा है कि रिस्क उठाएंगे, बिहार में शराबबंदी है, रिस्क उठाएंगे, छपरा में ब्लैक से दारू लाएंगे फिर भी नहीं पकड़ाएंगे। इस तरह का उनका एक गाना आया है जिसकी वजह से विवाद बढ़ सकता है और खेसारी लाल खुद विवाद में आ गए हैं। आप जानते हैं कि भोजपुरी बदनाम रही है अपने दोअर्थी संवादों के लिए, और खेसारी लाल यादव ज़्यादा बदनाम रहे हैं। उन पर आरोप लगता रहा है भोजपुरी में अश्लीलता परोसने का, अपने गानों अपनी फिल्मों में अश्लीलता परोसने का, उन पर ये आरोप लगता रहा है। कई बार विवादों में आए हैं, सानिया मिर्जा पर गाना गाकर जेल भी जा चुके हैं, तो अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बेहद आपत्तिजनक गाना शराब को लेकर गाया है, और साफ तौर पर एक तरह से कहें कि अपने गाने के जरिए वो टिप्स दे रहे हैं उन लोगों को जो सख्त शराबबंदी के बावजूद भी शराब पीना चाहते हैं, खासकर होली में या फिर चुनावों के दौरान उसका बुरा असर हो सकता है। शराबबंदी पर एक तरह से कह सकते हैं नीतीश कुमार की शराबबंदी मिशन पर इस गाने के जरिए चोट भी कहा जा सकता है। आप सुन लीजिए उस गाने का कुछ अंश, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। आपने सुना किस तरीके से खेसारी लाल यादव का ये नया गाना आया है, और नहीं आना चाहिए था। शराबबंदी मिशन जो है सरकार की, उस पर एक तरह से चोट, और बीजेपी के नेता जो हैं उनका बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, हमारे पास बयान आता है तो। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा है कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। विपक्षी दलों की, जो बीजेपी विरोधी दल हैं, एनडीए विरोधी दल हैं, वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की साजिश है। सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा, क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि मामला शराब का है और चुनाव का समय है, होली नज़दीक है, तो देखना होगा। फिलहाल खबर यही कि अपने गाने से विवाद में आ गए हैं खेसारी लाल यादव, और सिर्फ विवाद में नहीं आए हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।